हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन, पिल्स। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सॉल्यूशन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज ए सॉल्यूशन। देन कैप्सूल इज सुटेबल डोसेज फॉर्म फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हीकल यूज्ड इन द प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन बीपी इज फिक्स्ड ऑयल, ग्लिसरीन, इथाइल अल्कोहल, ऑल ऑफ द अबव। व्हीकल यूज्ड इन द प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन बीपी, तो ये होता है फिक्स्ड ऑयल, ऑप्शन ए। देन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है डेपोमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाई सीलिंग डायूरेटिक हैविंग ए फ्यूरान रिंग सिस्टम इज इथाक्राइनिक एसिड, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, एसिटाजोलामाइड। हाई सीलिंग डायूरेटिक हैविंग ए फ्यूरान रिंग सिस्टम, तो ये होता है फ्यूरोसेमाइड, ऑप्शन बी। फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक, ये ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, डिफनेस कॉज कराता है, ठीक है। अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव हैविंग डायूरेटिक एक्शन, तो ये होता है इथाक्राइनिक एसिड। इथाक्राइनिक एसिड का एडवर्स इफेक्ट, तो ये भी कॉज कराता है ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। ब्यूमेटानाइड लूप डायूरेटिक, एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। किस में यूज करते हैं एसिटाजोलामाइड का, तो इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ये रिड्यूस कराता है सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस इंट्रा ऑक्युलर टेंशन, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। देन अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन विथ एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड इनहिबिट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बायकार्बोनेट फ्रॉम यूरिन एंड दिस अनअब्सॉर्ब बायकार्बोनेट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड मेक द यूरिन अल्कलाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायस्थेनिया ग्रेविस इज डायग्नोस्ड विथ इंप्रूव्ड न्यूरोमस्कुलर फंक्शन बाय यूजिंग डोनेपेजिल, इंड्रोफोनियम, एट्रोपिन, पैनक्यूरोनियम। तो मायस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं इंड्रोफोनियम का, ऑप्शन बी। ये होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनर्जिक ड्रग होता है इंड्रोफोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोनोथेरेपी फॉर रेजिंग एचडीएल कोलेस्टेरॉल। स्टैटिन्स, नियासिन, इजेटिमाइब, थ्री फैटी एसिड्स। मोस्ट इफेक्टिव मोनोथेरेपी फॉर रेजिंग एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्टेरॉल, तो ये होता है नियासिन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज ए मेजर कैटायन इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मेजर कैटायन इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, तो ये होता है सोडियम, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। एंड मेजर कैटायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय सिमेटिडिन, फिनोबार्बिटोन, प्रोकेन, एड्रिनालिन। इनमें से कौन स्टिमुलेट कराता है लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स, तो ये होता है फिनोबार्बिटोन। ये फिनोबार्बिटोन होता है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट, ये होता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी इन कॉम्बिनेशन विथ फिनिटोइन। देन अभी आप मुझे बताएंगे एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी, तो ये होता है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन को यूज करते हैं इन ग्रैंड मल एंड साइकोमोटर एपिलेप्सी। सिमेटिडिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसे यूज करते हैं टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन में कॉज गायनेकोमेस्टिया। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसमें, इमिडाजोल रिंग। प्रोकेन शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक। देन विच इज ए पुअर सर्फेस एनास्थेटिक, तो ये भी होता है प्रोकेन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुअर सर्फेस एनास्थेटिक प्रोकेन। देन हार्मोन यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एज ब्रोंकोडायलेटर, एड्रिनालिन। एड्रिनालिन इज गिवन इन ब्रोंकियल अस्थमा सबक्यूटेनियसली। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक, इंट्रामस्कुलर एड्रिनालिन। देन एड्रिनालिन इज यूज पेरेंटली इन 1:1000 कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन
अल्फा वन एड्रिनो रिसेप्टर, अल्फा टू एड्रिनो रिसेप्टर, एच टू रिसेप्टर, एच वन रिसेप्टर, दी हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन। तो ये क्लोनिडिन होता है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, अल्फा टू एगोनिस्ट होता है क्लोनिडिन, एंड हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन अल्फा टू एड्रिनो रिसेप्टर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट कॉजेस सेडेशन, क्लोनिडिन। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं CNS पे, ये सेडेशन कॉज कराता है, मेंटल डिप्रेशन कॉज कराता है, देन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, बोथ ए एंड बी। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है एम्पीसिलिन एंड पेनिसिलिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हीलिंग एजेंट यूज इन हैंड क्रीम्स इज सॉफ्ट पैराफिन, यूरिया, बीजवैक्स, टीराइल अल्कोहल। हीलिंग एजेंट यूज इन हैंड क्रीम्स, तो ये होता है सॉफ्ट पैराफिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक्रिक एसिड इज अ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वैन अर्क्स रिएजेंट, मेयर्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट, वैगनर्स रिएजेंट। इनमें से किसका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है पिक्रिक एसिड, तो ये होता है हैगर्स रिएजेंट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वैगनर्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट, मेयर्स रिएजेंट, इन सबका यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्केलॉइड्स। वैन अर्क्स रिएजेंट क्या होता है, पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, इसे यूज करते फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्गॉट एल्केलॉइड्स। मेयर्स रिएजेंट क्या होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड। वैगनर्स रिएजेंट आयोडीन विथ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक क्लोराइड इज यूज एज एंटीबैक्टेरियल, प्रिजर्वेटिव, एस्ट्रिंजेंट, नन ऑफ देम। क्या होता है जिंक क्लोराइड, तो ये होता है एस्ट्रिंजेंट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन फार्मास्यूटिकल एड फॉर इंसुलिन प्रिपेरेशन, तो ये भी होता है जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रिपरेशंस आर ड्राइड बाय फ्रीज ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, तो ये हो जाएगा फ्रीज ड्रायर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीटा पोटेंशियल इज यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग सस्पेंशन, सीरप, सॉल्यूशन, ऑल ऑफ दीज। तो जीटा पोटेंशियल का यूज करते फॉर इवेल्युएटिंग सस्पेंशन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड सस्पेंशन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावेनस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्ड क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, बोथ और नन। इमल्शन के कौन से टाइप में आता है कोल्ड क्रीम, तो ये होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन, ऑप्शन बी। क्रीम्स होते हैं सेमी सॉलिड इमल्शंस फॉर एक्सटर्नल यूज, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सेमी सॉलिड इमल्शंस फॉर एक्सटर्नल यूज आर क्रीम्स। देन क्लिंजिंग क्रीम्स एट बॉडी टेम्परेचर आर लिक्विफाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फा पाउडर्स आर स्टरलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, रेडिएशन, नन ऑफ दी अबव। किससे स्टराइल करते हैं सल्फा पाउडर्स को, तो इसके लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का, ऑप्शन ए। हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में। इसका प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टेरियल प्रोटीन्स। टेम्परेचर रिक्वायर्ड 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। सीजर्स, स्काल्पेल्स, ग्लासवेयर्स, सल्फोनामाइड्स, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स, इनके स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस्ट नोन केमिकल टू कॉज पॉलीप्लॉइडी इज मिथेनॉल, कोल्चिसिन, केरोसिन, एकोनाइट। बेस्ट नोन केमिकल टू कॉज पॉलीप्लॉइडी, तो पॉलीप्लॉइडी कॉज कराता है कोल्चिसिन, ऑप्शन बी। कोल्चिसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रायर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर, ड्रम ड्रायर, ट्रे ड्रायर, टनल ड्रायर, स्प्रे ड्रायर। ड्रायर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर, तो ये होता है स्प्रे ड्रायर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीसीज आर हेमोलाइज्ड इन G6PD डेफिशिएंसी इज बाय एम्पीसिलिन, डैप्सॉन, सल्फाडिमिडिन, जेंटामाइसिन। आरबीसीज आर हेमोलाइज्ड इन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी इज बाय, तो ये होता है डैप्सॉन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आरबीसीज आर हिमोलाइज्ड इन G6PD डेफिशिएंसी इज बाय डैप्सॉन। ये डैप्सॉन होता है डाई अमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन, ये होता है एंटी लेप्रसी ड्रग, एंड एंटी लेप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सॉन इज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेंजोडाइजेपाइन? डाइजेपैम, नाइट्राइजेपैम, जोल्पीडेम, ट्राइजोलाम. नॉट ए बेंजोडाइजेपाइन. तो ये होता है जोल्पीडेम. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. बाकी डाइजेपैम, नाइट्राइजेपैम, ट्राइजोलम, ये सभी आते हैं बेंजोडाइजेपाइन्स में. देन अभी आप मुझे बताएंगे हिप्नोटिक विच इज प्रेफर्ड इन पेशेंट्स विथ लिमिटेड हेपेटिक फंक्शन. कौन सा हिप्नोटिक प्रेफर्ड किया जाता है इन पेशेंट्स विथ लिमिटेड हेपेटिक फंक्शन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. तो ये होता है जोल्पीडेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैस यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन. सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इथिलीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो फ्यूमिगेशन में यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का. नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली हेरोइन इज 6-methylmorphine, 3-6-dimethylmorphine, 3-methylmorphine, इथाइल मॉर्फिन. तो हेरोइन होता है 3-6-dimethylmorphine. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनास्थेसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय केटामाइन. जनरल, लोकल, डिसोसिएटिव, टॉपिकल. तो केटामाइन प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनास्थेसिया. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. केटामाइन होता है आईवी जनरल एनास्थेटिक. ये डिसोसिएटिव एनास्थेसिया कॉज कराता है. देन हेलुसिनेशंस कॉज कराता है. किसमें यूज करते हैं इसका? तो इसे यूज करते हैं इन बर्न ड्रेसिंग एज एन एनास्थेटिक. देन अस्थमा पेशेंट्स के शॉर्ट ऑपरेशंस के लिए भी यूज करते हैं केटामाइन का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेरियम मिल इज बेरियम क्लोराइड, बेरियम नाइट्रेट, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट. तो बेरियम मिल होता है बेरियम सल्फेट. ऑप्शन डी. मोस्ट रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रॉपिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? पोस्टेरियर पिट्यूटरी, सुप्रारेनल, थायरॉइड, एंटेरियर पिट्यूटरी. कौन सिक्रेट कराती है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रॉपिक हार्मोन? तो ये सिक्रेट होता है फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी लोब. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये सभी सिक्रेट होते हैं फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. पोस्टेरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन. थायरॉइड T4, थायरोक्सिन, T3, ट्रायोडोथायरोनिन, कैल्सिटोनिन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टार्सल बोन? क्यूबॉइड, नेविकुलर, कैल्केनियस, टैलस. लार्जेस्ट टार्सल बोन, तो ये होता है कैल्केनियस. ऑप्शन सी. टार्सल बोन्स आर प्रेजेंट इन फीट एंड टार्सल बोन्स आर 7 इन नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम? पोस्टेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी, इनफंडिबुलम, पार्स इंटरमीडिया. तो अभी हमने डिस्कस किया था ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, पोस्टेरियर पिट्यूटरी. ऑप्शन ए. ये ऑक्सीटोसिन इसेंशियल होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क. देन इट कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर. ये यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है. यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है एंड लेबर में हेल्प करता है. देन पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स. तो ये भी होता है ऑक्सीटोसिन. ये होता है नोना पेप्टाइड. एंटेरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The amount of blood expelled by contraction of ventricle per minute is called stroke volume, cardiac cycle, heart rate, cardiac output. Amount of blood expelled by contraction of ventricle per minute. तो ये होता है cardiac output. Option D. Next question. One of the following is a selective beta 2 stimulant. Caffeine, beta histine, propranolol, salbutamol. Selective beta 2 stimulant. तो ये होता है सालबुटामॉल. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. सालबुटामॉल होता है नॉन कैटेकोलामाइन एंड बीटा एगोनिस्ट. बीटा टू एगोनिस्ट यूज्ड इन अस्थमा होता है सालबुटामॉल. फास्टेस्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट होता है सालबुटामॉल. इनहेल्ड सालबुटामॉल प्रोड्यूसेस ब्रोंकोडायलेशन विद इन 5 मिनट्स. ठीक है, एंड इसका मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट होता है मसल ट्रिमर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल आर 8, 12, 22, 32. कितने बोन्स होते हैं ह्यूमन स्कल में? तो ये होते हैं 22. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. इसमें फेशियल बोन्स होते हैं 14. नेक्स्ट क्वेश्चन, विनका बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग. एंटी मलेरियल, एंटी ट्यूमर, एंटी टसिव, डायूरेटिक.
तो इनका आता है इंडोल एल्केलॉइड्स में, इसकी फैमिली होती है अपोसायनेसी, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैथेरेंटियस रोजियस, सिनोनिम क्या होता है पेरीविंकल, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, एंड ये होते हैं एंटी कैंसर ड्रग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। विनका बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग एंटी ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलार्ड्स रिएक्शन इज रिलेटेड टू डाइलुएंट बाइंडर डिसइंटीग्रेंट सर्फेक्टेंट। तो मेलार्ड्स रिएक्शन होती है डाइलुएंट्स के लिए, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मोस्ट कॉमनली यूज डाइलुएंट लैक्टोज। डाइलुएंट्स होते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट। फिलर्स डिजाइन टू मेकअप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ टैबलेट होते हैं डाइलुएंट्स। लैक्टोज सुक्रोज मैनिटॉल देन सोडियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट डाई कैल्शियम फॉस्फेट ये सभी होते हैं डाइलुएंट्स। बाइंडर्स जिलेटिन ट्रगाकांत पीवीपी देन अकेशिया। डिसइंटीग्रेंट्स स्टार्च एमसीसी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। सर्फेक्टेंट्स तो अनियोनिक सर्फेक्टेंट में आता है सोडियम लॉरिल सल्फेट कैटियोनिक बेंजालकोनियम क्लोराइड सेट्रीमाइड नॉन आयोनिक ट्विन्स स्पैन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, ऑप्शन सी। मेजर कैटायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड पोटेशियम, मेजर कैटायन इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर बॉर्न डिसीज इज कॉलेरा टीबी इन्फ्लुएंजा लेप्रसी। तो वाटर बॉर्न में आता है कॉलेरा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कॉलेरा का कॉजेटिव एजेंट विब्रियो कॉलरी, ये होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। शेप क्या होता है कॉमा शेप, विब्रियो होते हैं कॉमा शेप्ड। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस टेस्ट मोंटॉक्स टेस्ट हीव टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट। लेप्रसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टेरियम लेप्री। ड्रग ऑफ चॉइस इन लेप्रसी डैप्सोन क्लोफाजीमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजिली बाय पेनिसिलिन्स टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन कोट्रिमोक्साजोल। तो गोनोरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है पेनिसिलिन्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये गोनोरिया होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। गोनोरिया का कॉजेटिव एजेंट नाइजेरिया गोनोरिया, ये होता है ग्राम नेगेटिव कोकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सिट्रायोल इज 125 डायहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल 1 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल 25-26 डायहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। तो कैल्सिट्रायोल होता है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ये होता है 125 डायहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज कराती है रिकेट्स इन चिल्ड्रेन ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। कैल्सिट्रायोल होता है मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन। स्टिल्बेस्टेरॉल टेस्टोस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बेंजेस्टेरॉल। तो फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन, ऑप्शन सी। किससे प्रोड्यूस होता है ईस्ट्रोजन, तो इट इज सिक्रेटेड बाय ओवरीज। स्टेरॉयडल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। किस लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन इसे यूज करते हैं एज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज होता है व्हेन ओवरी स्टॉप प्रोड्यूसिंग ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो लेडिक सेल इन टेस्टिस। देन टेस्टोस्टेरॉन इज डेरिवेटिव ऑफ एंड्रोस्टेन, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरॉन इज अ डेरिवेटिव ऑफ एंड्रोस्टेन। देन प्रोलॉन्ग टेस्टोस्टेरॉन एडमिनिस्ट्रेशन इनिबिट्स रिलीज ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रोलॉन्ग टेस्टोस्टेरॉन थेरेपी रिड्यूस कराता है इंडोजेनस टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन एंड कॉजेस इनफर्टिलिटी। देन प्रोलॉन्ग टेस्टोस्टेरॉन थेरेपी कैन ऑल्सो कॉज एट्रोपी ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरॉन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिसीज अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टाइफॉइड प्लेग पोलियो ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा डिसीज अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, तो ये होता है पोलियो, ऑप्शन सी। पोलियो की वैक्सीन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो होती है सेबिन्स वैक्सीन एंड दूसरी आती है सेल्क वैक्सीन।
सेबिंस वैक्सीन होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन ये होती है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन, सार्क वैक्सीन होती है किल्ड और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन ये होती है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी, डायग्नोसिस टेस्ट विडाल टेस्ट, ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोब्लॉक्सासिन। प्लेग इज कॉज्ड बाय यर्सिनिया पेस्टिस, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डायग्नोसिस टेस्ट मॉन्टॉक्स टेस्ट हीप टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनर्स रिएजेंट कंटेंस आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड एंड मिस्पत आयोडाइड, आयोडीन मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर। तो वैगनर्स रिएजेंट का यूज करते फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स एंड वैगनर्स रिएजेंट होता है आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पोटेशियम आयोडाइड एंड बिस्मथ आयोडाइड ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट ये भी होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर तो ये होता है मेयर्स रिएजेंट, ये भी होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोक्विन इज ए 4-aminoquinoline, acridin, biguanide, pyrimidine। तो क्लोरोक्विन होता है 4-aminoquinoline, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरोक्विन होता है एंटी मलेरियल ड्रग, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी क्लोरोक्विन। देन प्राइमाक्विन होता है 8-aminoquinoline। देन क्लोरोक्विन प्रोड्यूसेस क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी एंड इफ क्लोरोक्विन इज गिवन इन G6PD डेफिशिएंसी इट लीड्स टू सीवियर ब्लीडिंग। ठीक है, बायगोनाइड्स में आते हैं फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन, ये होते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर द HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर इट इज हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक एम्फोटेरिक नन ऑफ द अबव। हायर द HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर इट इज तो ये होता है हाइड्रोफिलिक, ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट आंसर। इफ सर्फेक्टेंट हैज हायर HLB वैल्यू देन इट इज मोर हाइड्रोफिलिक। एनियोनिक सर्फेक्टेंट्स बताइए, सोडियम लॉरिल सल्फेट कैटियोनिक सेट्रीमाइड बेंजालकोनियम क्लोराइड, नॉन आयनिक ट्विन स्पैन्स। ठीक है, ट्विन्स होते हैं हाइड्रोफिलिक एंड स्पैन्स होते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलोक्विन टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई सिंकोना स्ट्रिचनिन धतूरा रूबार्ब। किसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है थैलोक्विन टेस्ट, तो ये होती है सिंकोना के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किसमें आता है सिंकोना, तो ये आता है क्यूनोलिन एल्केलॉइड्स में, फैमिली क्या है रूबिएसी। सिंकोना का सिनोनिम जेसुर्स बार्ग पेरुवियन बार्ग। स्ट्रिचनिन क्या है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नक्सवोमिका, नक्सवोमिका का सिनोनिम क्रोफिक सीड्स, इसकी फैमिली लोगानियासी, इसमें प्रेजेंट होता है स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसिन। धतूरा तो ये आता है ट्रोपेन एल्केलॉइड्स में, इसका सिनोनिम क्या होता है तो एंजल्स ट्रम्पेट, फैमिली क्या है सोलानासी। रूबार्ब एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में आता है रूबार्ब, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है रियम पालमेटम, फैमिली पॉलीगोनासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैथेरेटिक, जिंक ऑक्साइड जिंक स्टीरेट बिस्मथ सबकार्बोनेट मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें से कौन सा होता है कैथेरेटिक, तो कैथेरेटिक होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम सल्फेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, MgSO4 ट्वाइस 7H2O होता है मैग्नीशियम सल्फेट। कॉमन नेम क्या है इसका, इप्सम सॉल्ट। टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट सलाइन एंड बिटर। देन सलाइन कैथेरेटिक यूज्ड इन बेरियम एंड लेड पॉइजनिंग मैग्नीशियम सल्फेट। एंटीडोट फॉर हेवी मेटल पॉइजनिंग मैग्नीशियम सल्फेट। देन मैग्नीशियम सल्फेट इज गिवन पैरेंट्रली टू लोअर इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड मैग्नीशियम सल्फेट व्हेन अप्लाइड टॉपिकली एज ए पोल्टाइज कॉजेस रिडक्शन इन एडेमा। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैग्नीशियम सल्फेट के। देन अभी आप मुझे बताएंगे द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल इन डेंटल प्रैक्टिस, कौन सा होता है बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल इन डेंटल प्रैक्टिस, तो ये होता है जिंक ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड विथ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है कैलामाइन एंड जिंक ऑक्साइड कंपाउंड पेस्ट होती है जिंक पेस्ट, इसका सिनोनिम होता है जिंक पेस्ट, जिंक ऑक्साइड कंपाउंड पेस्ट। व्हाट इज जिंक स्टीरेट, तो ये होता है एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट देन लुब्रिकेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ये होता है जिंक स्टीरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज यूज एज एडजॉर्बेंट,
कैओलिन, चारकोल बोथ और नन। तो एडसॉर्बेंट में आता है कैओलिन एंड चारकोल ऑल्सो। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमाइन ऑटोकॉइड्स? एंजियोटेंसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन, ब्रैडिकाइनिन। कौन सा है अमाइन ऑटोकॉइड? तो ये होता है सेरोटोनिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 5-hydroxytryptamine सेरोटोनिन होता है अमाइन ऑटोकॉइड। एंजियोटेंसिन क्या है? पेप्टाइड ऑटोकॉइड। एंजियोटेंसिन, ब्रैडिकाइनिन, कैलिडिन ये प्लाज्मा काइनिन्स होते हैं, पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। प्रोस्टाग्लैंडिन लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड। प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स ये आते हैं लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स में। ब्रैडिकाइनिन होता है प्लाज्मा काइनिन, पेप्टाइड ऑटोकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन 1940, 1947, 1950, 1945। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1940 एंड इसके रूल्स आए थे इन 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड इज ए केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वैन हर्स्क रिएजेंट, मेयर्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट, वैगनर्स रिएजेंट। तो पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड होता है वैन हर्स्क रिएजेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अर्गोट एल्केलॉइड्स के लिए होता है वैन हर्स्क रिएजेंट पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड। वैगनर्स रिएजेंट आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड। मेयर्स रिएजेंट मर्क्यूरिक क्लोराइड। हैगर्स रिएजेंट पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज ए सलाइन कैथेरेटिक? कैओलिन, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल ऑफ द अबव। सलाइन कैथेरेटिक तो ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है रोचेले सॉल्ट। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेटेड चॉक ये होता है नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। देन केमिकली कैओलिन इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, केमिकली कैओलिन होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ एजेंट? जिंक सल्फेट, सिलेनियम सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड। तो एंटी डैंड्रफ एजेंट होता है सिलेनियम सल्फाइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जिंक सल्फेट क्या है? व्हाइट विट्रियॉल ये होता है एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीसेप्टिक। सोडियम फ्लोराइड तो ये होता है एंटी कैविटी एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनस फ्लोराइड इज यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट, डेंटल कैरीज, डेंटिफ्रीसेस, एंटी डैंड्रफ। तो स्टेनस फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड ये होते हैं एंटी कैविटी एजेंट। एंटी कैविटी एजेंट, एंटी कैरीज एजेंट होते हैं सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटी डैंड्रफ एजेंट सिलेनियम सल्फाइड। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एस्ट्रिंजेंट एलम। एलम होता है एस्ट्रिंजेंट। देन जिंक क्लोराइड इज ऑल्सो यूज एज एन एस्ट्रिंजेंट। ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट कौन सा होता है? तो जिंक सल्फेट। ठीक है, डेंटिफ्रीसेस होते हैं प्रिपरेशंस मीन टू बी अप्लाइड टू द टीथ। देन क्या आप में से कोई बता सकता है डेंटल कैरीज आर कॉज्ड बाय? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो डेंटल कैरीज आर कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन एंड एंटी कैरीज एजेंट होते हैं स्टेनस फ्लोराइड एंड सोडियम फ्लोराइड। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? तो ये होता है स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट तो स्पिरिट ऑफ सॉल्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई बाइल सॉल्ट्स? बेनेडिक्ट्स टेस्ट, हेस टेस्ट, एर्लिच टेस्ट, रोथेराज टेस्ट। टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है हेस टेस्ट एंड पीटर कॉफर टेस्ट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन इनमें से कौन सी टेस्ट का यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटोन बॉडीज? तो ये होती है रोथेराज टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होती है, बेनेडिक्ट टेस्ट। देन अभी आप मुझे बताएंगे मॉलिश टेस्ट किसके लिए होती है? तो ये होती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। आयोडीन टेस्ट किसके लिए होती है? पॉलीसैकेराइड्स के लिए होती है। स्टार्च के लिए होती है आयोडीन टेस्ट। सेलिवनॉफ्स टेस्ट
किटोसिस के लिए होती है, फ्रुक्टोज के लिए होती है सेलिवनॉफ्स टेस्ट, बाइल्स टेस्ट पेंटोसिस के लिए होती है, देन लीबरमैन बर्चर टेस्ट स्टेरॉल्स के लिए होती है, एंड बाइल पिगमेंट्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है, तो ये होती है फॉचेट टेस्ट, ठीक है। देन बेंजीडिन टेस्ट होती है ब्लड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजेट अपैरेटस इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक आयरन सल्फेट लेड, तो इसे यूज करते फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, ऑप्शन ए। देन अभी आप मुझे बताएंगे किस लिए लेड एसिटेट पेपर का यूज करते हैं इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट, तो इसे यूज करते हैं टू ट्रैप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विच मे इवॉल्व विद आर्सेनिक गैस, इसलिए यूज करते हैं लेड एसिटेट प्लेजर का, लेड एसिटेट पेपर का, ठीक है। देन विच रिएजेंट इज यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर लेड, तो ये होता है डाइथियाजोन। देन सल्फेट्स की लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं बेरियम क्लोराइड का, आयरन की लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड का, ठीक है। एंड फॉर सल्फेट आयरन क्लोराइड्स लिमिट टेस्ट आर कैरिड आउट इन नेजलर सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड एज एंटी केकिंग एजेंट फॉर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरिक एसिड, एंटी केकिंग एजेंट फॉर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, तो ये होता है कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये होता है एंटी केकिंग एजेंट फॉर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। मैग्नीशियम सल्फेट होता है सलाइन कैथेरेटिक, इप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन टूथ पाउडर इज पॉलिशिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनर, कलरिंग एजेंट, क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, किस लिए इसे यूज करते हैं इन टूथ पाउडर, तो ये होता है पॉलिशिंग एजेंट, ऑप्शन ए। कैल्शियम कार्बोनेट होता है प्रेसिपिटेटेड चॉक। कौन से फ्लेवरिंग एजेंट का यूज करते हैं इन डेंटिफ्रिसेस, पेपरमिंट ऑयल, मोस्ट कॉमनली यूज स्वीटनिंग एजेंट इन डेंटिफ्रिसेस, तो स्वीटनर होता है सैकेरिन। देन एब्रेसिव एजेंट्स होते हैं कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स, हिस्टिडीन, टायरोसिन, वैलिन, ट्रिप्टोफन। मेलानिन किससे डिराइव करते हैं मेलानिन, तो ये मेलानिन होता है नेचुरल स्किन पिगमेंट, इसे डिराइव करते हैं फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये टायरोसिन होता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन। देन इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज फ्रॉम टायरोसिन। हिस्टिडीन सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड, वैलिन अमाइनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन, ये होता है वैलिन। ट्रिप्टोफन आता है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, सब्सटेंस यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स, तो हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड अभी आप मुझे बताएंगे इन हैवी मेटल लिमिट टेस्ट द स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ, किसका यूज करते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन हैवी मेटल लिमिट टेस्ट, तो ये होता है लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, तो ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसे यूज करते हैं टू क्लीन सेप्टिक सॉकेट्स एंड रूट कैनल्स। देन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जनरली यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ वुंड्स एंड ईयर्स होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्टमैन सॉल्यूशन इज डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन एंड सलाइन सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। हार्टमैन सॉल्यूशन, तो हार्टमैन सॉल्यूशन होता है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, रिंगर सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड विच इज कंपेयर्ड, टर्बिडिटी, ऑपलेसेंस, फ्लोरेसेंस, कलर, किसे कंपेयर करते हैं इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, तो क्लोराइड की लिमिट टेस्ट में कंपेयर करते हैं ओपेलेसेंस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
एंड सल्फेट्स की लिमिट टेस्ट में कंपेयर करते हैं टर्बिडिटी, एंड क्लोराइड्स की लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का, एंड सल्फेट्स की लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं बेरियम क्लोराइड का, ठीक है। एंड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड सल्फेट्स आयरन आर कैरिड आउट इन नेजलर सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AgNO3 इज कैटेगराइज्ड एज, सिल्वर नाइट्रेट इज कैटेगराइज्ड एज रिडक्टिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, ऑक्सीडेटिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, हैलोजिनेटेड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट इज कैटेगराइज्ड एज प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अभी आप मुझे बताएंगे कॉमन नेम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो ये होता है लुहार कॉस्टिक, एंड ये होता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एंड इसे स्टोर करते हैं इन एम्बर्ड कलर बॉटल्स में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।